बात बात में इसे कट्टी कर लेती है, पता कि हारने वाले को क्या पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम ठीक है और आशा करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ बीमू और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी है शाम के टाइम और अभी सुहाना स्कूल से आई है और बाहर जाके खेल रही है और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ कुछ, क्योंकि अभी सुहाना रूम में नहीं है। सुहाना रूम में रहती है, सुहाना मतलब मुझे देखती है पढ़ती हुई, तो वो भी पढ़ने लगती है और बहुत सारे सवाल करती है। अभी मतलब उनका सवाल करने वाले वही है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा है वैसा है। तो सुहाना जब पढ़ती है तो मैं मतलब साथ में नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि सुहाना को बहुत सारे दिखाना पड़ता है, मतलब सारे कुछ समझाना पड़ता है इसलिए। तो अभी सुहाना बाहर में खेल रही है, स्कूल से आके नाश्ता खिला दी है और बाहर में वो खेल रही है और मैं अभी पे यहाँ पे अपना नोट्स वगैरह लिख रही हूँ। घर से ही ऑनलाइन क्लास ही करती हूँ तो घर पर ही पढ़ना पड़ता है। और अब ये देखिए, नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गया, ये भी आ गई और मुझे देखी पढ़ती हुई तो वो बोली मैं भी पढ़ूंगी। और इसको भी होमवर्क था स्कूल में दिया हुआ, तो सुहाना ये अपना आप होमवर्क बना रही है और मैं भी सोची कि सुहाना को होमवर्क भी दिखा देती हूँ, वो खुद करने लगेगी और उसके बाद मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए पढ़ रही हूँ, मतलब लर्न कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लर्न करना है तो वो मैं लर्न कर रही हूँ और सुहाना वहाँ पे ए बी सी डी लिख रही है। तो बहुत सारे सवाल करती है क्योंकि अभी सुहाना को ऐसा वही है कि मतलब अभी एज ही ऐसा अभी सीख ही रही है तो सवाल कर रही है। सुहाना को मैं सिखा रही हूँ और ख़ुद भी पढ़ रही हूँ, तो इतना सुहाना सवाल करती है, इतना करती है कि मतलब मैं कंसनट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए अभी मैं अपना पढ़ाई छोड़ दूँगी, पहले सुहाना को होमवर्क करवा दूँगी अच्छे से और उसके बाद रात के समय जब सुहाना मतलब सवेरे में खाना खा सो जाती है, तो जब सुहाना सो जाती है उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं सोती हूँ। ए बी सी डी ई जी 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 एच 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 जी एच 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 जी एच जी जी एच 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 जी जी। तो यहाँ पे सुहाना ए बी सी डी लर्न कर रही है, मतलब अब तो देख के तो लिख लेती है सारे कुछ लेकिन पहचान नहीं पाती है कि क्या क्या है। तो यहाँ पे सुहाना वही लर्न कर रही है, जी और एच, ई ए बी सी डी से एफ तक आ जाता है लेकिन एच नहीं आता था, तो वही यहाँ पे लर्न कर रही है। ये है अगले दिन और ये सुहाना देखिए यहाँ पे उठ चुकी है और सुहाना को ब्रश करने के लिए बोल रही हूँ। तो सुहाना बोल रही है कट्टी, कैसे कट्टी करती हो दिखाओ बेटा, कट्टी कैसे करते हैं, कट्टी आपके मुँह से बदबू आ रहा है पता है आपको, आपके मुंह में कितने कीड़े हैं दिखाओ, दिखाओ है कि नहीं। ओपा, चार कीड़ा है यहाँ पे, चार। अब क्या होगा, करोगी ना ब्रश, करोगी दो क्या पेस्ट ला। आपके नाश्ता भी रेडी हो गए हैं, बस आपको ब्रश करना है। आज लास्ट टाइम खा लो ये खिचड़ी, उसके बाद आपको खिचड़ी नहीं खाना पड़ेगा, तबीयत ठीक हो गया है आपको, ठीक है। दे दे क्या, दे दे पेस्ट ला के ब्रश में। ओके ठीक है, सुहाना अभी ब्रश करेगी। तो सुहाना यहाँ पे खुद से ब्रश कर रही है, इधर देखो बेटा। और कट्टी कैसे करती हो, एक बार कट्टी करके दिखा दो। हाँ, बात बात में इसे कट्टी कर लेती है, पता नहीं कहाँ से सीख के आई है। ठीक है, अभी ब्रश कर रही है, करो 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 करो। क्या खा रही हो, क्या खा रही हो सुहान, क्या है इसमें, इसमें क्या है बतावा हो, क्या है। और प्लेन खिचड़ी विथ प्लेन आलू के चोखा, सुहाना ये आज लास्ट टाइम खा रही है ना बेटा, इसके बाद सुहाना नॉर्मल खाना खाएगी, ठीक है। पूरी जो है झबड़ी बाल इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। ले ले आया वाटर प्रूफ लहंगा, ये पता नहीं क्या देख रहे थे भोजपुरी संग। ठीक है सुहाना, खाना खाने के बाद मिलेंगी, मिलोगी ना, मम्मा जिस वक्त खाना खाएगी ना, मम्मा के खाना अभी बन रहा है तो मम्मा खाते वक्त मिलेगी, ठीक है। हाँ हाँ, तब तक चुहाना रेडी भी हो जाएगी। अभी मम्मा नहा लिए हैं, हाँ आप पहले नाश्ता कर लो, इसके बाद आपको भी नहला देंगे। नहीं, नहीं? पापा पे गई है 100%, 100% ना, आपके पापा भी नहाना नहीं चाहते, पता नहीं वहाँ पे नहा भी रहे हैं कि नहीं नहा रहे, पूछना पड़ेगा। अभी तो डेली नहा रहे होंगे, क्योंकि काम करना जाना पड़ता है ना, जॉब पे जाना पड़ता है तो नहाते होंगे ना, जॉब पे जो जाना पड़ता है तो नहाते होंगे ना। अच्छा लग रहा है खिचड़ी, अच्छा लग रहा है, ताज़ा ताज़ा कुछ भी अच्छा लगता है ना, खिचड़ी भी अच्छा लग रहा है।
अभी सुहाना को नहलाते हैं पहले, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? पहले सुहाना को खिला देते हैं, फिर नहला देते हैं, फिर रेडी कर देते हैं, फिर मम्मा खाएगी, मम्मा को भी भूख लग गया है। हाँ और आज हम बनाएंगे फिर से रील्स, हाँ, और फिर डालेंगे इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग हमारी रील्स देखना हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, इंस्टाग्राम के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज होली के सॉन्ग पे भी बनाएंगे रील्स। क्या रील्स? हाँ, और आज भोजपुरी सॉन्ग पे भी बनाएंगे रील्स, हाँ, हिंदी पे भी बनाएंगे, सारे पे बनाएंगे। उसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लीजिए, जब भी रील्स आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा ना बेटा। अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा कैसे लगता है? अच्छा कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। शरारत नैना करता है, तड़पना दिल को परता है, वो धीरे धीरे होले होले। ये देखिए यहाँ पे सुहाना नहा ली है और यहाँ पे धूप में बैठ के बॉडी को सुखा रहे हैं ना, तो अभी सुहाना को जल्दी जल्दी से कपड़ा पहना देते हैं ना, सुहाना को ठंड लग रही है इसलिए धूप में बैठी हुई है। तो देखिए सुहाना ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और अभी बाल को रहने देते हैं, जब जाएंगे उसके बाद बना देंगे, ठीक है? हीरो लग रही हो बेटा। खाया तो एक बार और खा लो मम्मा के साथ। मम्मा के साथ अभी खाए थे, अभी फिर से एक बार खा लो। नहीं नहीं, अभी आप खिचड़ी खाई थी ना, अभी मम्मा के साथ चावल खा लो, चावल और सब्जी। नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं। चलो अभी बाल को सूखने दो, ठीक है? नहीं नहीं, हाँ। चलो 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 नीचे चलो। अभी फाइनली सारे कुछ करके अब मैं खाना खाने आई हूँ ना बेटा। सुहाना भी मम्मा के साथ खाएगी। नहीं खाऊंगी। सुहाना को बिल्कुल भी भूख नहीं है तो छोड़ देते हैं, अभी सुहाना को जब भूख लगेगा तब खिला देंगे। और एक बात, बहुत दिनों से ना एक कमेंट आ रहा था कि आप पढ़ाई छोड़ दी हो क्या, आप पढ़ती नहीं हो क्या इस टाइप से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ी हूँ, है ना, पढ़ रही हूँ, घर से ही पढ़ रही हूँ, ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ और नोट्स वगैरह सारे कुछ बनाती हूँ। और अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है 2-3 महीने में, तो दो तीन महीने तो नहीं होंगे, 1.5-2 महीने होंगे, तो 1.5-2 महीने में एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम जाके मैं दूँगी। और पढ़ाई नहीं छोड़ी हूँ, डिग्री करूँगी। और आज हम ना फाइनली पानीपुरी चैलेंज करने जा रहे हैं, सरस्वती अभी आ रही है तो इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे क्योंकि इस वीडियो में अगर डालेंगे ना, बनाएंगे फिर पानीपुरी चैलेंज करेंगे ये सारे कुछ, तो और पनिशमेंट भी अगर हो तो इसी वीडियो में कर लेंगे, ठीक है? अगर ना हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पनिशमेंट भी इसी वीडियो में हो जाए, मतलब इस वीडियो में नहीं, जिस वीडियो में पानी पूरी चैलेंज होगा उसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर डालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार चैलेंज होने वाला है और उसमें पनिशमेंट भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, ठीक है? तो ये वीडियो जब तक पनिशमेंट होगा तब तक आप लोग ये वीडियो देख लिए होंगे, तो ये वीडियो पर कमेंट करिएगा कि हारने वाले को क्या पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो उसमें से अगर कोई भी कमेंट हमको अच्छा लगेगा तो वो मैं जरूर लूँगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं ना बेटा, और हम मिलते हैं अभी वीडियो में पानी पूरी चैलेंज वाले वीडियो में, वो आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगा, एडिट हो पाए तो, नहीं हो पाए तो कल देखने को मिलेगा। तो हम मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ फ्रेंड्स, आज है सैटरडे तो आप लोग संडे के वीएनए के लिए क्वेश्चन करिए कम्युनिटी पे जाके, वहाँ पे मैं अभी अभी पोस्ट डाली हूँ, तो वहाँ पे जाके आप लोग कमेंट करिए और कल वाले संडे क्यूएनए वीडियो में आप लोगों का नाम आ जाएगा, कमेंट का आंसर आएगा। इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।